जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टमाटो केचप या सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि दूध ना जले। घर में तैयार अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को ज्यादा समय तक रखने के लिए उसमें एक चम्मच गरम तेल और नमक मिलाएं। खाना बार बार गरम ना करें, इससे उसमें मौजूद पोषक नष्ट हो जाते हैं। पीसे हुए मसाले को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे रंग और टेस्ट अच्छा आता है। ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं। लोहे की किसी चीज या फिर चाकू पर यदि जंग लग गई हो तो उस पर प्याज को काटकर रगड़ दीजिए, रंग निकल जाएगा। बचे हुए सलाद को मिक्सी में पीसकर प्यूरी बनाएं, फिर उसे आटे में गूंथकर रोटी या पराठे बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। ग्रेवी की सब्जी में प्याज डालने के लिए प्याज को तेल में थोड़ा फ्राई करने के बाद पीसें, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। यदि दो बर्तन आपस में फंस गए हैं तो जहाँ से वे फंसे हैं वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, आधे घंटे के बाद थोड़ा सा घुमाने से निकल जाएंगे। आटे के डिब्बे में तेज पत्ता रखने से आटा नमी से मुक्त रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। दही वड़े बनाते समय दाल फटते समय उसमें एक उबला हुआ आलू अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर ले, वड़े मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। नमक और अचार को हमेशा कांच के या मिट्टी के जार में रखें, प्लास्टिक के जार में ना रखें। कुछ समय बाद इनमें केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है जो हानिकारक होती है। रात में मुट्ठी भर चने की दाल को एक गिलास कच्चे दूध में भिगोकर रख दें। सुबह इसमें 5 से 6 किशमिश और मिश्री मिलाकर खाएं। ऐसा रोज करें, 1 महीने में वजन बढ़ जाएगा। टमाटर, आलू, प्याज और अदरक को हमेशा जालीदार टोकरी में रखें, फ्रीज में कभी ना रखें। काली किशमिश आयरन से भरपूर होती है, इसे खाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और ये आंतों को साफ रखने में भी मदद करती है। गर्म दूध में हरी मिर्च डालकर रात भर रखें, सुबह दही जमा हुआ मिलेगा। बैगन भूनते समय उसमें लहसुन की 2 से 3 कलियां घुसा दे तो भरते का स्वाद अच्छा और नया लगेगा। हरी मिर्च काटने के बाद इमली के पानी से हाथ धो लेने से हाथ में जलन नहीं होती। दूध या खीर जल जाए तो उसमें 2 से 3 पान के पत्ते डाल के गर्म करें, जलने की खुशबू चली जाएगी। रोजाना खाने में 1 चम्मच इमली की पत्तियों की चटनी बनाकर खाएं, इससे भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। दूध फाड़ने के बाद दूध का पानी फेंकने की बजाय उसका इस्तेमाल आप दोबारा से दूध फाड़ने में कर सकते हैं या फिर आटा गूंथने में कर सकते हैं। पूड़ियों को बेलने के बाद इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखें और फिर फ्राई करें। ऐसा करने से पूड़ियां फ्राई करते समय तेल नहीं सोखेंगी। ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, फिर भी ग्रेवी ऐसी नहीं बन पाती जैसा हम चाहते हैं, तो अपनी मनचाही ग्रेवी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा सत्तू मिला दे। ऐसा करने से ग्रेवी गाढ़ी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। जो औरतें ठंडी के मौसम में अपने चेहरे पर बादाम का तेल या नारियल के तेल से मालिश करके सोती हैं तो उनके चेहरे मुलायम हो जाते हैं। नूडल्स बनाते समय अक्सर नूडल्स चिपक जाते हैं, तो नूडल्स को उबालते समय इसमें थोड़ा सा तेल, चुटकी भर नमक मिला दें, फिर नूडल्स के पकने पर उसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने पर नूडल्स कभी नहीं चिपकेंगे और खुले खुले बनेंगे। अगर कभी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए तो टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करके सब्जी में डाल दें और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पका लें। बादाम के छिलके जल्दी उतारने के लिए उनको 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें, छिलके तुरंत उतर जाएंगे। कभी घर पर भिंडी काट रहे हो तो चाकू पर नींबू का रस लगा लें, इससे भिंडी की लसलस चाकू पर नहीं लगती। रात में सोते वक्त 8 से 10 गिरी बादाम की भिगो दें और फिर सुबह उठकर छिलका हटाकर खाएं और ऊपर से गाय का दूध पी लें, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। यदि घर पर कभी टमाटर के सूप बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सूखा पुदीना भी मिला दें, इससे इसका स्वाद और भी बढ़कर आता है। जो औरतें सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट खाती हैं तो उन्हें घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होता है उन्हें अपनी डाइट में अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। यदि कभी घर पर रायता बना रहे हो तो उसके ऊपर 2 से 3 भुनी हुई लौंग का चूर्ण भी रख दे, इससे रायते का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। किसी भी तरह की त्वचा संबंधित समस्या हो या फिर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो, गर्म पानी इसका सही उपाय है। रोज सुबह सुबह गर्म पानी पीना शुरू कर दे,
थोड़े ही दिनों में आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और कील मुहासे और पिंपल से भी छुटकारा मिल जाएगा। रसेदार सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज टमाटर पकाते वक्त आधा चम्मच चीनी डाल दें। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और सब्जी का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अक्सर नमकदानी में नमक जम जाता है, सीलन आ जाती है, इससे बचने के लिए नमकदानी में 4 से 5 चावल के दाने डाल दें। इससे नमक में सीलन नहीं आएगी। अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। नॉनस्टिक तवा ज्यादा गंदा हो गया हो तो थोड़ा सा नमक और नींबू लेके उसे अच्छे से रगड़े, नॉनस्टिक तवा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब मलाई से डायरेक्ट घी निकाले तो कभी भी जो मलाई का दूध या छाछ जो भी बोले वो बचता है उसको कभी भी फेंके नहीं, उसको हल्की आंच पर गरम करें, फिर थोड़ा सा दही डालकर जमने रख दें। आप इसकी छाछ बनाएं। यदि आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकार आने की समस्या है तो प्याज पर काला नमक और नींबू लगाकर खाएं। इससे बदहजमी नहीं होगी। भटूरे बनाते वक्त मैदे में थोड़ा सा 1 चम्मच सूजी डाल दें, इससे भटूरे बेलने में आसानी होगी और सॉफ्ट बनेंगे। पकौड़े या किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक की कढ़ाई का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, हमेशा लोहे की कढ़ाई का उपयोग करें। इलायची बच्चे के लीवर के कार्य में सुधार को बढ़ावा देती है। ये विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ए आंखों के लिए भी अच्छा होता है, इससे शरीर इन्फेक्शन से भी लड़ पाता है। 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसको इडली के घोल में मिला लें। इससे खमीर जल्दी से बन जाती है। यदि आपका जुकाम ठीक ना हो रहा हो तो लहसुन को तेल में गर्म करें। अब इस तेल को ठंडा होने पर नाक में डालें और पैरों के तलवे पर मालिश करें। पेट में किसी तरह की परेशानी होने पर नींबू पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इससे मौजूद एसिड पेट में अल्सर की परेशानी पैदा कर सकता है जिससे जलन और पेट दर्द हो सकता है। सुबह उठकर मुंह में लौंग पानी रखने से और ठंडे पानी से आंखों में छींटे मारने से आंखों की रोशनी तेज होती है। सर्दियों में गोभी का पराठा और दही खाने से बहुत ही लाभ होता है। फ्रीज में कभी भी बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं रखने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है चॉकलेट मिठाइयाँ स्टोर करके रखते हैं। चीनी मैदे से बनी चीज का सेवन आपको हार्ट कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पीनट बटर को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वो सूख जाता है और इसकी क्रीमी टेक्सचर भी खराब हो जाता है। मतलब ये कि आप इसे आसानी से ब्रेड पर नहीं लगा पाएंगे। जो औरतें काम करके जल्दी थक जाती हैं या जल्दी बीमार पड़ती हैं उनको इमली जरूर खानी चाहिए क्योंकि इमली इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है और इमली में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। आधा चम्मच शहद में चुटकी भर इलायची पाउडर के साथ नींबू के रस की 3 से 4 बूंदें मिलाकर दिन भर में 2 से 3 बार लेने से सर्दी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। हरे धनिये को 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसे अच्छी तरह साफ कर लें और पानी सुखा लें छाया में, फिर एयरटाइट बॉक्स में साफ कपड़ा या टिश्यू पेपर बिछाकर हरा धनिया रखकर लपेट ले। कपड़ा सारी नमी सोख लेगा। 4 से 5 दिन बाद कपड़ा बदल दे, हरा धनिया ताज़ा ही रहेगा। लहसुन को ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हो तो उसकी कलियों को छीलकर साफ सुथरे डिब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें। ध्यान रहे लहसुन पानी में गीला ना हो और ना ही डिब्बे में नमी हो। चावलों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नमक डालकर रखें, चावल अधिक समय तक सुरक्षित रहेंगे। लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का 1 टुकड़ा डाल दें, लाल मिर्च खराब नहीं होंगे। तेज आंच पर सब्जी बनाते वक्त अक्सर नीचे लग जाती है, ऐसे में सब्जी में 2 चम्मच दही मिलाएं। दही मिलाने से सब्जी में जलने का स्वाद नहीं आएगा। खीर के लिए यदि बादाम भिगोना भूल गए तो 1 कप गर्म पानी में बादाम को 30 मिनट तक भिगो कर रखें, छिलका आसानी से निकल जाएगा। शक्कर का डिब्बा अगर गलती से खुला रह जाए तो उसमें चींटियां लग जाती है। चींटियों से बचने के लिए डिब्बे में 5 से 6 लौंग डाल दें, चींटियां कभी नहीं आएंगी। हरी मटर को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए उनको छीलकर जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें। देसी घी को ज्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उसमें 1 टुकड़ा गुड़ और 1 टुकड़ा सेंधा नमक डाल दें, घी ताज़ा बना रहेगा। यदि रात में चना भिगोना भूल गए तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकड़े मिक्स कर दें, चना भी आसानी से गल जाएगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।